حرمت اول ما جاء الانستغرام نسيت انا من مثل لك يا اكسور نمل كم زي ما تسمع يسري ولا गुरवे गौर चंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ब्रह्मस्तुति अब आ जाए इधर बंद करना हाँ बंद कर देता है ब्रह्मस्तुति ब्रह्मा तिनी भगवान के स्तुति करते तिनी उल्लेख ना हमारे हाँ हिंदी ओ ब्रह्मा भगवान को स्तुति कर रहे हैं वे हम लोगों का आदि गुरु है इसलिए गुरु होने का नाते कैसे जीवों को भगवान की भक्ति और साधन करनी चाहिए और भजन में कितने तरह तरह का बाधाएं आती हैं ये बाधाओं को कैसे साधक धीरे धीरे अतिक्रम करते हुए कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करे इसलिए कहीं भगवान की ऐश्वर्य है कहीं भगवान की माधुर्य है हैं इसलिए उसमें ऐश्वर्य कहीं और माधुर्य कहीं ये स्तुति में वो दो चीज को उसमें प्रकाश करते हैं आज हम लोग ब्रह्म स्तुति का पहला श्लोक सुनेंगे बोले नव मिट्टते अभ्रभुषे तड़िताम्बराय गुंजावतंस परिपीछलसत मुखाय ब्रह्मा जी कह रहे हैं कहते हे प्रभु जब ब्रह्मा जी कृष्ण का बछड़ा और सखाओं को चोरी किया पहले तो समझ रहे थे ये कोई साधारण बालक होगा लेकिन जब उनको पता चला ये कौन है कहते मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की ये पिताजी है हैं तब ब्रह्मा जी हंस वाहन ऊपर से नीचे कूद पड़े और भगवान का चरण में सीधा लेट गए और अपना आंखों का आंसुओं से कृष्ण का चरण को अभिषिक्त किए अभिषिक्त करते हुए लेकिन उनका एक सर भगवान का चरण को स्पर्श कर रहा था उन्होंने जोर जबरदस्ती उन्होंने चार सर्प ला करके उन्होंने कृष्ण के चरण को स्पर्श कराया और उनका एक अंग ये ब्रजधूल को स्पर्श कर रहा था मतलब मेरे सारे अंग ये ब्रजधूल को स्पर्श करे और मेरा जीवन धन्य हो जाए इसलिए ब्रह्मा जी ब्रज रज में ये लौट पौट खाने लग गए ब्रह्मा जी और खड़े होकर के और आंखों का आंसुओं का मार्जन करते करते ये स्तुति को बोल रहे हैं कहते हे प्रभु आपका चरण में हम प्रणाम करते हैं कहते प्रणाम क्यों करते हैं कहते शास्त्र में भगवान का चरण में प्रणाम करने का बहुत महत्व बताया बोले सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातुस्तन पिबतन मतलब एक बार अगर कोई कृष्ण का चरण में प्रणाम करता है उनको मातृगर्भ में प्रवेश ही नहीं करना पड़ता मैया का दूध ही पीना नहीं पड़ता है हाँ? इसलिए उनने भगवान का चरण में प्रणाम मतलब होता है उनका चरण में शरणागति नवमी इसलिए उन्होंने प्रणाम किया नव कहते इद्यते कहते ये कौन है कहते प्रभु आप मेरे पूज्य हो आप मेरे आराध्य देव हो नव मिद्यते बोले अभ्र बपुसे बोले भगवान का शरीर का रंग कैसे कहते मेघ जैसे रंग है मेघ जैसे रंग है तो उन्होंने भगवान का शरीर को मेघ जैसे वर्णन क्यों कर रहा है कहते मेघ क्या है कहते पानी का एक नाम है कृपा लेकिन जब मेघ जब घनीभूत अवस्था धारण करता है तभी जाकर के मेघ बनता है बादल जब घनीभूत अवस्था को धारण करता है तभी जाकर ये बादल बनता है इसका मतलब है जो कृष्ण है ये करुणा की ये सागर है इसलिए बोले हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते इसलिए कृष्ण बहुत दयालु इसलिए ब्रह्मा जी
इसलिए भगवान का शरीर को अभ्रभु से मतलब भगवान की जो शरीर है घना मेघ को साथ में इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि प्रभु आप तो दयालु हैं और मैं आपका चरण में अपराध किया है, इसलिए अपराध मैंने किया लेकिन आप कौन हो, आप कृपा की घनीभूत विग्रह हो। इसलिए दूसरा अर्थ दिया कि तो बारिश जब होती है वो विचार नहीं करता है नहीं ये अपवित्र ये पवित्र है, लेकिन केवल ये पवित्र स्थान में बारिश हो अपवित्र स्थान में नहीं करते, वो कोई विचार नहीं करता है, वो सब जगह में बराबर वो बारिश देता है। इसलिए कहते प्रभु मैं एक अपराध किया है लेकिन आप जो है ना आप अभ्रभु से मतलब आप करुणा की प्रतिमूर्ति हो है? आप कृपा की समुद्र हो। इसलिए जिसको पुतना कहते हैं जिसको सुखदेव गोस्वामी कहते बोले अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिज्ञा सयापि असाब्धि। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रभु पुतना जैसे व्यक्ति आपको जो मारने के लिए आए हैं आपको भी आप उसको धात्री से तपक दिया गोलोक वृंदावन में स्थान दिया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते मैं तो अपराधी हूँ लेकिन आप दया की सागर हो, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करना ही पड़ेगा। कहते ये एक अर्थ है। कहते दूसरा अर्थ कहते एक चिड़िया आता है जिसका नाम कहते हैं चातक। कहते जो चातक चिड़िया वो किसी नदी का पानी किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो केवल पानी पिएगा जब आकाश से स्वाद नक्षत्र पानी हो केवल उसी पानी को पीता है। इसलिए ब्रह्मा जी उदाहरण देते बोले प्रभु में तो अपराधी लेकिन जैसे वो चातक जब आकाश में मेघ देखता है वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होकर के जैसे प्यासा हम बोलता रहता है मैं प्यासी हूँ बारिश हो कभी पानी को पी करके अपना प्यास बुझाओ। कहते हे प्रभु मैं तो आपका चरण में अपराध किया लेकिन आप जो है ना आप घना मेघ हैं, हैं? जैसे चातक जैसे मेघ को देखते ही वो प्रसन्न हो जाता है कभी बारिश होगा और मेरी प्यास बुझेगा, उसी तरह मैंने आपका चरण में अपराध किया है लेकिन ये आप है ना आप अभ्र बभुसे मतलब आप घना मेघ हो आप दया की सागर हो, इसलिए आप कृपा करके मेरे अपराध को माफ करो। इसलिए बोले नौ मिड्डते अभ्र बभुसे बोले तड़ी तंबराय। कहते एक तो मेघ सुंदर है ही है लेकिन उसमें जो बिजली चमकती है फिर उसमें और भी सुंदर हो जाता है, लेकिन वो जो बिजली चमकती है वो हठात चमक करके अंतर ध्यान हो जाता है, लेकिन आपका शरीर में जो पीताम्बर है ना कभी स्थिर विद्युत जैसे एक में तो मेघ जैसे रूप है फिर उसमें जो पीताम्बर पहने जैसे वो स्थिर विद्युत है मतलब ये जो विद्युत है जो वो इधर उधर नहीं वो एक जगह पर स्थिर मतलब आप उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। और अभ्र बपुसे कहते आप पीताम्बर क्यों धारण करते हो क्योंकि जो राधा रानी का जो रंग है तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, इसलिए राधा रानी का जो अंग कांति करती है तप्त कांचन गौरांगी एकदम तपे हुए सोने जैसे है, इसलिए आप ये पीताम्बर धारण करते हो आप अपना जो प्रेम है और राधा रानी की प्रति आपका प्रेम का अभिव्यक्ति है, अब राधा रानी को प्रेम करते हो इसलिए राधा रानी का अंग का जैसे आप कलर का वस्त्र आप धारण करते हो, इसलिए अभ्र बपुसे तड़ी तंबराय बोले गुंजाव तंस। कहते कान में जो कुंडल पहने बोले किस चीज की कुंडल है बोले गुंजा फल का कुंडल है, बोले गुंजा फल की कुंडल क्यों पहनते हैं उसका दो कारण बताया। पहला कारण बताया महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दिए थे एक गुंजा माला और एक गिरिराज शिला। कहते जो गुंजा माला है बोले रघुनाथ ये श्री राधा रानी का स्वरूप है और जो गिरिराज शिला कहते ये श्री कृष्ण है, इसलिए कृष्ण कुंजा फल को धारण करते हैं कर्णभूषण रूप में। एक कारण है
कहते राधा रानी की ही कथा ही जिनकी कानों में अगर कुछ जाए ना, जैसे राधा रानी जो कर्ण भूषण धारण करती है वो कृष्ण कथा की कर्ण भूषण, मतलब उनको कानों में कृष्ण कथा छोड़ करके और कोई चीज प्रवेश नहीं करती। कहते उसी तरह कृष्ण भी कहते हैं मेरे कान में राधा रानी की कथा छोड़ करके और कोई चीज मेरे कान में प्रवेश नहीं करता। कहते ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कभी जो गुंजा फल है वो बिना पैसा में जंगल में अपने आप मिल जाता है, इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई सोचे बहुमूल्य कोई द्रव्य जब भगवान को दे तभी भगवान प्रसन्न हो। भगवान कहते नहीं, मेरे तो केवल प्रेम ही चाहिए और मैं किसी चीज के भूखा नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण गीता में चार चीज का नाम लिया है, पत्र फल फूल और पानी। कहते ये चार चीज का नाम लेते हैं। कहते जो चार चीज है कहते जो बिना पैसा मिलता है, जिसके लिए पैसा की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान कहते मेरे को प्रसन्न करने के लिए कोई सोचे बहुमूल्य कोई वस्तु प्रदान करे तभी मैं खुश होता, मुझे नहीं बल्कि जो मैं भक्त्या प्रयच्छति। भक्त अगर भक्ति पूर्वक चार चीजों में कोई भी एक चीज मेरे को भक्ति पूर्वक दे दे उसी में ही मैं खुश हो जाता हूँ। बोले किसने किसने दिया? बोले पत्रम। पत्रम किसके दिया? बोले श्री विदुर ने। इसलिए सूरदास जी कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान विदुर घर में केवल साग पत्ता खा करके खुश हो गए। पत्रम बोले पुष्पम बोले फूल किसने दिया? बोले हाथी ने। जब उनको मगरमच्छ पकड़ा और खींचते खींचते ले जा रहा है उसी समय हाथी ने केवल एक कमल का फूल केवल भगवान को लेकर के अर्पण कर दिया। और भगवान केवल नारा केवल दो अक्षर उच्चारण किया इतने में सुदर्शन चक्र आकर मगरमच्छ को काट गया। इसलिए केवल भगवान को केवल एक फूल से ही भगवान को संतुष्ट कर दिया। बोले पत्रम पुष्पम बोले फलम। बोले फल किसने दिया? बोले सबरी। ये सबरी बोले झूठे बेरे सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए भगवान ने कहा सबरी आज तुम्हारी बेर भी इतने स्वाद मिला। कहते मेरे को वैकुंठ की महिषिया मेरे को सुंदर सुंदर छापान भोग छत्री भोजन बना कर खिला दिए, लेकिन आज तुम्हारी बेर में जो आनंद मिला है ना ये आनंद मेरे को कहीं नहीं मिला। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम बोले त्वयम। त्वय मतलब होता है पानी। बोले कौन सा पानी? बोले गंगा पानी। श्री अद्वैत आचार्य जी ने भगवान को केवल गंगा पानी और तुलसी पत्ता दे करके भगवान का आह्वान किया तो भगवान वैकुंठ छोड़ करके इसी जगत में आ गए। इसलिए बोले गुंजाव तंस। भगवान कहते हैं मेरे को कोई बहुमूल्य की वस्तु की जरूरत नहीं केवल प्रेम की जरूरत है। अपनी आप बिना पैसा में जो गुंजा भला मिलता है हाँ इसी चीज की गला में था गले में माला रूप में धारण करते और कर्ण भूषण रूप में धारण करते हैं। इसलिए भगवान केवल प्रेम चाहिए। बोले गुंजाव तंस परिपीच लसत मुखाय। बोले परिपीच सर पर मरुपंख लगाते हैं। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे शास्त्र में भगवान क्यों मयूरपंख लगाते उसको पांच कारण बताए। पहला कारण बताया उसमें श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है इसलिए उसको धारण करते हैं। दूसरा कारण बताए मयूर ये ब्रह्मचारी है इसलिए भगवान ब्रह्मचारी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं इसलिए भगवान ये मयूर पंख लगाते हैं। तीसरा कारण बताए मयूर कब नृत्य करता है? जब आकाश में मेघ को देखे और वहां घड़ 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 शब्द होने लग जाए हाँ उसी समय रिमझिम
बारिश हो, बोले उसी समय में जब मयूर नृत्य करता है। एक दिन कृष्ण बड़े सुंदर बंसुरी बजा रहे थे और कृष्ण का रंग कैसे एकदम घना मेघ जैसे और उनका शरीर में पीताम्बर कैसे जैसे बिजली चमक रही है और उनका बंसुरी जैसे घड़ा शब्द हो रहा है। इसको देख करके मयूर तो प्रसन्न हो गया और उसने पंख खोल करके थिरक थिरक करके नाचना शुरू कर दिया। लेकिन जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है, हाँ खुश होकर नृत्य करता है, जैसे कोई व्यक्ति नृत्य करे हम पैसा लेकर घुमा घुमा कर उसको ऐसे उसको डोनेशन देते हैं, फिर उसी तरह मयूर ने देखा कृष्ण इतने सुंदर बंसुरी बजाए, इसलिए हम नृत्य की, इसलिए कृष्ण कुछ देनी चाहिए कल मेरे पास घूम जाए, मेरे पास में मेरे खिले केवल पंखा मेरे पास में, इसलिए मयूर ने अपना पंख को झाड़ दिया, झाड़ दिया तो उससे एक मयूर पंख गिरा, वासु प्रेम का उपहार है, कृष्ण उसको उठा कर अपना सर पर लगा दिया, क्योंकि प्रेम का वस्तु सर्वश्रेष्ठ स्थान में धारण करनी चाहिए, इसलिए कृष्ण मयूर पंख लगाते हैं। और चौथा कारण बताया, कभी राधा रानी मयूर कुटी में कभी राधा रानी मयूर ही बनी। और पंचवा कारण बताए, कृष्ण कभी जा रहे थे और देखा मेन रोड के ऊपर में मयूर पंख गिरा हुआ, मयूर पंख ने कहा कृष्ण मैंने जिसको पीछे लगा था उसने मेरे को त्याग दे दिया, देखो मेरी अवस्था के समय में रोड के ऊपर पड़ा हुआ हूँ, कोई उठा नहीं रहे। कृष्ण ने कहा कोई चिंता नहीं, जगत में जिसको कोई स्थान देने वाला नहीं उसका स्थान देने वाला मैं हूँ, इसलिए कृष्ण उठाया और अपना सर पर लगा दिया। इसलिए इसलिए कृष्ण ये मयूर पंख लगाते, बोले नौ मिटते अभ्रबुसे तड़ि तंबराय गुंजावतंस परिपीच लसत मुखाय, बोले बन्न स्रजे विशाल वेणु। कहते कृष्ण का शरीर में जो श्रृंगार है, किस चीज के श्रृंगार है, कहते यद्यपि उनको वैकुंठ में सब उनको लक्ष्मी श्रृंगार करती है, जब कृष्ण द्वारका में रहते महिषिया श्रृंगार करती है, कृष्ण जब मथुरा में रहते उनको भी श्रृंगार करते हैं द्वारका में रहने पर, कृष्ण कहते हैं ये श्रृंगार तो है लेकिन ये सबसे सुंदर श्रृंगार मेरे को क्या लगता है, बोले वृंदावन में निकुंज मंदिर में जब मेरे को राधा रानी जब सखियां और जब वृंदावन में मेरे सखा लोग जंगल का सुंदर सुंदर पत्ते फल फूल लेकर के मेरे को श्रृंगार करते हैं, वो श्रृंगार सबसे मेरे प्यारा श्रृंगार है। इसलिए कभी कभी वृंदावन में बांके बिहारी राधा वल्लभ में फूलों की श्रृंगार होता है, क्या सुंदर फूल का श्रृंगार, और उनका दुपट्टा फूल की कली में, उनका मुकुट फूल का कली में, उनको चोटी कली का फूल में, उनका जो पीताम्बर लहंगा कली का फूल में, केवल बेली फूल का कली दे 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 करके श्रृंगार होता है, क्या सुंदर श्रृंगार है फूलों की। इसलिए कृष्ण कहते हैं सबसे जो सुंदर मेरे को लगता है जब जंगल का पत्ते फल फूल दे करके जब मेरे को निकुंज मंदिर में जब सखा सखिया मेरे को श्रृंगार करती है, कहते बन्ना सजे, कहते वो श्रृंगार मेरे को सबसे प्यारा श्रृंगार है, बन्ना सजे मतलब विशाल वेणु, भगवान की बंसुरी बजाते हैं, बोले बंसुरी क्यों बजाते हैं, कहते कृष्ण कहते हैं बंसुरी में दो गुण है, कहते पहला गुण तो उसके अंदर में वो अंदर से पोला है खाली है, दूसरा गुण है कृष्ण जैसे चाहते हैं फूंक देते हैं वो बजती है वैसे, उसमें दो गुण है, इसलिए कृष्ण बोलते मेरे पास में बंसुरी बन करके हृदय को खाली करके आओ फिर तो मैं जैसे चाहूंगा वैसे मैं बजा सकता हूँ, इसलिए उसके अंदर में दो गुण, इसलिए कृष्ण सुंदर तनि बंसी बंसी बजाते हैं, बन्य सृजे विशाल वेणु मृदु पदे पशुपांग जाए, बोले कबल पित्र, कहते हाथ में क्या है, बोले कभी दही चावल और कभी दूध चावल कृष्ण खाते हैं, कृष्ण कहते हैं यद्यपि मेरे को अलग अलग लोग में अलग अलग मेरे को भोग लगाते हैं, छप्पन भोग छत्तीस व्यंजन हमको भोग लगाते हैं, लेकिन कहते सबसे मेरा सुंदर भोजन क्या है, कहते सबसे मेरा सुंदर भोजन है दही भात है और दही चावल और हमको दूध भात है, कहते ये सबसे प्यारा खाना है, कभी इधर का लोग है दही चावल खाते हैं और हमारे गुड़ी सामने भी दही चावल खाते हैं, इसलिए कहते हैं और ब्रज में भी दही चावल भी खाते हैं, इसलिए कहते ये सबसे मेरा सुंदर भोजन है,
इसलिए पशुपांगजाय ब्रह्मा यहाँ पर एक सुंदर सिद्धांत को स्थापन करते हैं कि कृष्ण कौन है। दुनिया कहता है वो तो मथुरा का, मथुरा मथुराधीश है, कृष्ण द्वारकाधीश है, वो तो वसुदेव का बेटा है। लेकिन यहाँ पर कहते नहीं, कृष्ण पशुपांगजाय, पशु प मतलब जो पशु को चराने वाले, गैया को चराने वाले कौन, श्री नंद बाबा, बल्कि उनकी अंग से जो प्रकट हुए हैं। कहते ये से पशुपांगजाय मतलब ये नंद नंदन है, ये यशोदा नंदन कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा आदि गुरु ये स्थापन करते हैं, जो कृष्ण है ये नंद नंदन है, यशोदा नंदन कृष्ण है, ये वसुदेव नंदन नहीं, ये नंदन नंदन है। इसलिए ब्रह्मा जी का ये पहला स्तुति है। फिर कल हम दूसरे स्तुति से श्रवण करेंगे। गौर ब्रह्मानंदे हरि।